एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम ब्यूटीफुल कान्हा जी के लिए कोचू बनाना सीखेंगे। बहुत ईजी इसको बनाना, किसी भी साइज की कान्हा जी के लिए बनाएं। सिर्फ आपको सिर का मेजरमेंट लेना है, इवन नंबर की चैन बनानी है एंड आपको फिर इसके बाद सेम वर्क स्टार्ट करना है, तो आपका सेम कोचू बनकर रेडी हो जाएगा। लेंथ के लिए, लेंथ कैसे लेंगे, तो जिस हाथ में कान्हा जी का लड्डू होता है, जहाँ से हम कान्हा जी का हाथ फोल्ड होता है, लेंथ हमें वहीं तक लेनी है। उसके बाद एक बॉर्डर बनानी है, तो आप किसी भी साइज़ का बनाएं, आपका बनकर रेडी हो जाएगा। अगर छोटे कान्हा जी हैं तो हाफ डबल क्रोशेट कवर करें। ये हमारे बड़े कान्हा जी के लिए 5, 6 एंड 8 नंबर कान्हा जी के लिए तो हमने डबल क्रोशेट कवर किया है। छोटे कान्हा जी के लिए हाफ डबल क्रोशेट कवर करना है, सेम बनकर रेडी हो जाएगा। तो आज हम इसी पोचू को बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड कमेंट करके बताएगा कि मेरा बनाया है ये पोचू आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते इस ब्यूटीफुल कान्हा जी के पोचू को बनाना। तो इस पोचू को बनाने के लिए हम 4 प्लाई की वूल ज़्यादा मोटी नहीं लेंगे एंड 10 नंबर का क्रोशेट हुक का यूज़ करेंगे जो कि मार्कर रहेगा। तो सबसे पहले हम 34 चैन बनाएंगे, 1 नॉट लगाई हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड ये हमारा 17। यहाँ पे हम मार्कर लगाएंगे। बाद हम काउंट करेंगे 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। टोटल हमने 34 चैन बनाए, ज्वाइन करेंगे। देखो सीधी करके चैन को ज्वाइन करना है ध्यान से। स्लिप स्टिच लेंगे, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है। अब यहाँ से कॉर्नर स्टार्ट हो जाएगा बनना। 3 चैन लेंगे, सेम प्लेस में 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। चैन 2, सेम प्लेस में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन जाएगा, 1 एंड 2। अब कंटिन्यू हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे बनाना। ये जो बुल है इसको भी साथ में लेते हुए चलेंगे। 1, 2 कॉर्नर तक आना है, कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाते हुए ऐसे हर एक स्टिच में। नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये देखिए ऐसे इस कॉर्नर तक आएंगे बनाते हुए। ये देखिए कॉर्नर तक आ गए बनाते हुए। ये हमारा ये मार्कर है, यहाँ पे हम कॉर्नर क्रिएट करेंगे सेकेंड। वन टू, 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 चैन सेम प्लेस में 2 डबल क्रोशेट, 1 एंड 2। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट स्टिच में, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट। ये कंटिन्यू हम बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, इस पॉइंट तक आएंगे। टोटल हम डबल क्रोशेट हर एक स्टिच में बनाएंगे, यहाँ तक आएंगे। ये देखिए हमने बनाया, लास्ट है, लास्ट में 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे, लास्ट स्टिच में यहाँ से ज्वाइन करेंगे। 1, 2 स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट में स्लिप स्टिच लेते हुए हम 2 चैन स्पेस में आएंगे,
टू चैन स्पेस आया, टू चैन सॉरी थ्री चैन, नेक्स्ट सेम प्लेस में वन डबल क्रोशेट, टू चैन वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में वन डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट स्टिच है, यहाँ से वन डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर रेडी हो गया बनके। कंटिन्यू हम डबल क्रोशेट बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट कॉर्नर तक आएंगे। बहुत इजी है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है कान्हा जी का पोंछू, बहुत फास्ट बनकर रेडी हो जाता है। देखिए तो हम इस कॉर्नर तक आएंगे बनाते हुए। ये हमारा कॉर्नर आ गया, टू चैन स्पेस, इसमें वन टू डबल क्रोशेट, वन टू चैन टू एंड सेम प्लेस में टू डबल क्रोशेट, वन एंड टू। नेक्स्ट में वन डबल क्रोशेट, नेक्स्ट स्टिच से कंटिन्यू वन डबल क्रोशेट बनाते हुए सेम हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही कॉर्नर क्रिएट करते हुए नेक्स्ट भी रो बनाएंगे। ये देखिए तो ये हम कंटिन्यू पूरा बनाते हुए सिक्स रो तक बना के कंप्लीट करेंगे। यहाँ से कंटिन्यू डबल क्रोशेट बनाते हुए फिर से ये कॉर्नर आएगा हमारा, यहाँ पे ज्वाइन करके स्लिप स्टिच लेते हुए टू चैन स्पेस में फिर सेम बनाएंगे, फिर कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो ये हम अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम यहाँ तक आके दिखाते हैं फिर से एक बार ज्वाइन करना कि कैसे ज्वाइन करना है आपको। ये देखिए फिर यहाँ तक आ गए बनाते हुए। अब यहाँ से थर्ड चैन से ज्वाइन करेंगे, वन टू थ्री, थर्ड चैन में ज्वाइन लेंगे स्लिप स्टिच से। नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच ली, टू चैन स्पेस में आएंगे स्लिप स्टिच लेते हुए थ्री चैन लेंगे, वन टू थ्री, सेम प्लेस में टू डबल वन डबल क्रोशेट लेंगे, थ्री डबल क्रोशेट भी, थ्री चैन भी हमारा वन डबल क्रोशेट ही है। ये देखिए टू चैन सेम प्लेस में टू डबल क्रोशेट, ये हमारा कॉर्नर फिर से क्रिएट किया हमने। देखिए न्यू रो स्टार्ट हो गई हमारी बनना। तो ये हम सेम बनाते हैं सिक्स या सेवन रो तक बना के कंप्लीट करेंगे पूरा। ये देखिए तो ये शेप ऐसा बनता जाएगा हमारा कोचू का, बहुत ही प्यारा आएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है बनाना। ये देखिए तो ऐसा हमारा कोचू का शेप बनता जाएगा। तो ये टोटल सिक्स या सेवन रो तक बना के कंप्लीट करेंगे पहले। ये देखिए मैं टोटल सिक्स रो बना के कंप्लीट किया, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। लास्ट रो बनाएंगे सेवन रो, हम बॉर्डर देंगे, वूल को कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से ज्वाइन किया, वूल को कट कर देंगे। यहीं से वूल को ज्वाइन करेंगे। फोर चैन टू थ्री फोर, फोर चैन लेंगे सेम प्लेस में डबल क्रोशेट बनाएंगे, वन एंड टू। वन टू थर्ड में सिंगल क्रोशेट लेंगे, थ्री चैन सेम सिंगल क्रोशेट की, सिंगल क्रोशेट है सेम प्लेस में ही बनाएंगे हम, वन डबल क्रोशेट एंड टू डबल क्रोशेट, टू स्किप करके थर्ड में सिंगल क्रोशेट। ये हमारी लास्ट रो है, थ्री चैन सेम प्लेस में ये सिंगल क्रोशेट है, इसी में हम बनाएंगे टू डबल क्रोशेट, वन एंड टू, टू स्किप करके थर्ड में सिंगल क्रोशेट। ये अपने बॉर्डर बनाएंगे हो चुके, ये पूरी बना के कंप्लीट करके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए पूरी बॉर्डर बना के कंप्लीट की, ज्वाइन कर देंगे यहाँ से सिंगल स्टिच लेते हुए
ज्वाइन कर देते हैं। वन टू थ्री थर्ड से ही ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन किया हमने, कट कर देंगे बोल को। अब हम डोरी बनाएंगे। उनको इन कर देंगे। पोचो बनकर रेडी हो गया। अब हम डोरी लगाएंगे। डोरी सिंपल सी चैन की बनाएंगे और मोतियाँ डाल देंगे। तो पहले हम चैन बना लेंगे, डोरी यहाँ पे इन कर देंगे, डोरी बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने सिंपल सी चैन बनाई। अब ये फ्रंट है, यहीं से डोरी डालना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम चैन बना लेंगे एंड ये देखिए ऐसे इन करके डोरी डालेंगे। ये देखिए तो ये पूरी हम पर डाल के कंप्लीट करते हैं। अगर आपकी डोरी थोड़ी सी बड़ी है तो यहाँ से ओपन कर लें। ये देखिए हमने डोरी बना के कंप्लीट की। तो स्टार्टिंग में हमने 34 चैन ली है, उसका डबल हमने डोरी में चैन लिया है। देखिए तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी डोरी बनकर रेडी हो गई है। अब हम यहीं से मोती डाल के नॉट लगा लेंगे और अपने धागे को इन कर देंगे। ये पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने डोरी भी लगा ली। तो ये हमारा पोचो बनकर रेडी हो गया। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड कमेंट करके बताएगा कि मेरे बनाए हुए कान्हा जी का पोचो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ।